पीपीपी पीपीपी जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करते हो सबको पीपीपी ही करना है। तो आजकल के बच्चे भाई वो मुंह पे बोल देते हैं नहीं नहीं नहीं। और आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे। बेचारा स्प्राउट से ज्यादा रहा है। Welcome back to my YouTube channel. Welcome to a brand new episode of Glow with Shivani. This is day number 4 of Navratri today. यार चार दिन हो भी गए हैं और अभी वैसे मेरा day 54 चल रहा है fat loss journey का. सुबह के बजे 9:30 मैं रेडी हो चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो. पीपीपी पीपीपी जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ सबको पीपीपी ही करना है. बट हाँ रेडी हो गई हूँ, नहा चुकी हूँ, हेयर वॉश कर लिया, गुड गर्ल एकदम बन के बैठ गई हूँ. अब जा रही हूँ पूजा करने. बट उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा नमस्ते हाय हेलो कर दें. आप लोग कैसी हो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या चल रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और नवरात्रि फास्ट कैसे जा रहे हैं वो भी याद से बता देना. और आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे, मतलब मेरे बड़े मामा का जो बेटा है, छोटा बेटा, उसका बर्थडे आदू का. अपने व्लॉग्स में देखा होगा, उसको विश कर देना कॉमेंट्स में. और हो सकता है आज हम उससे मिलने जाएंगे, मतलब उनके कोई पार्टी का कुछ प्लान नहीं है. इन्वाइट तो हमें नहीं आया है बट स्टिल हमारा ऐसा होता है कि हम उसे गिफ्ट देने चले ही जाते हैं, मोस्टली उसके बर्थडे पर ही. बिकॉज आई फील कि जब आपका जन्मदिन होता है या जो उस दिन चीज होती है ना उसी दिन गिफ्ट दो ना उसका बेस्ट मजा आता है. मतलब ऐसे नहीं कि आज बर्थडे और एक हफ्ते बाद दे रहे हो, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. तो हमारे घर के थोड़ा पास ही रहता है तो आई थिंक हम जाने वाले हैं, कुछ अभी वैसे पक्का नहीं है बट हो सकता है कि हम जाएं, तो वो ऑफकोर्स मैं आपको साथ लेके जाऊंगी. बाकी अभी चलते हैं पूजा करने और दिन में क्या क्या करेंगे वो आगे की आगे सोचेंगे. आज मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्जी और अपने लिए मैंने बनाया है बनाना शेक. दोस्तों यहाँ पे आरती चल रही है और जारा पता नहीं यहाँ पे आके बैठ गई है. 15-20 मिनट हो गए, मैं और मम्मा रेडी हो रहे थे, हमें बाहर निकलना है. या क्या कर रहे तू? जय माता दी. तो ये शाम की पूजा मैंने कर ली है, अब हम जा रहे हैं बाहर मैं और मम्मा. आज मेरे भाई का बर्थडे है, सुबह मैंने आपको बताया था, तो हम उसके घर जा रहे हैं उसको गिफ्ट देने के लिए. अभी तक हमने गिफ्ट भी नहीं लिया है, हमें गिफ्ट लेना है. कल हम स्टूडियो गए थे पर हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो अभी हम आसपास देखेंगे शॉप्स पे, अगर कुछ मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर केक लेके चल लेंगे. बट यू नो बर्थडे पे ऐसे मतलब गिफ्ट देना अच्छा लगता है, तो कोशिश यही रहेगी आज कोई गिफ्ट मिल जाए. छह नंबर वैसे कितने इंच का होता है? दोस्तों इतने सारे ऑप्शंस देखे तो हैं पर पसंद एक आया है वो ले लिया. अगर एक परसेंट नहीं पसंद आया तो मेरे भाई को फुटवेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो उसको इस बार शूज़ दे देते हैं. अब वो बिलिंग करवा रहे हैं. तो जी हमने ले लिए हैं आदू के लिए गिफ्ट, अब चलते हैं और उसको सरप्राइज करते हैं. वैसे उसको ये पता है कि मैं उसके लिए कुछ तो ले रही हूँ, उसको बट ये नहीं पता कि क्या ले रही हूँ. सो जाके देखते हैं उसको कैसा लगता है. एक तो आजकल के बच्चे भाई वो मुँह पे बोल देते हैं नहीं नहीं नहीं, और उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती. मुझे जितना समझ आता है मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ. तो आप पता नहीं इसको ये पसंद आने वाला है नहीं आने वाला, बट लेट्स सी चलते हैं. तो दोस्तों अब आ गए मामा के घर
और अभी आदू का जैसे आपको पता है जन्म दिवस है, तो अभी वो खेल के जस्ट घर में आया ही है। अब वो थोड़ा फ्रेश होगा, वो फुटबॉल लेकर आ रहा है शायद आपको दिखाने के लिए। मैंने गलत बोल दिया, वो वापस ले गया। बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है मेरा भाई। मेरा बड़ा भाई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, छोटा भाई फुटबॉल बहुत। अभी वो खेल के बताएगा। ओहो फुटबॉल आई है, इधर इधर दिखाइए। वाओ दोस्तों, यहाँ चल रही है कचौड़ी पार्टी, ढोकला पार्टी एंड आलू चाट। बेचारा ये खा रहा है, बेचारा स्प्राउट से खाता रहता है। और मामा तो स्प्राउट से आती है। इसमें ये बोले अच्छे नीचे की देखो कितनी अच्छी फैंसी लग रहा है ये। ये बाउंस के लिए है, जब तू भागेगा ना तो बाउंस के लिए। दोस्तों मेरे लिए चिप्स आए हैं, थैंक यू मामी। तो जी होने वाली अभी केक कटिंग। पहले तो कैंडल्स जला दो। क्यों भाई? लाइटर से जलेंगे। समय आ चुका है तो मैं सोचा एक बार ब्लॉग कर लेते हैं। बाय आदू, बाय, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। कह रहे बाय, जल्दी जाओ। बाय बाय।